एक और बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक बात है इसका, बराइटा काप का। जब भी कभी हमको स्किन इरप्शन अगर सप्रेस्ड का हिस्ट्री मिलता है तो हमारा पूरा फोकस सल्फर पर चला जाता है, हमारे लिए सल्फर देवता की तरह सामने आ जाता है। लेकिन हमें बराइटा काप को बोलना नहीं चाहिए। बराइटा काप का ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके जो कंप्लेंट्स होते हैं वो स्किन इरप्शन के सप्रेस होने के बाद आते हैं। हो सकता है कि आपको हिस्ट्री में ऐसा मिले कि बच्चा एकदम नॉर्मल था, इसका डेवलपमेंट भी नॉर्मल हो रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, इसको कभी टॉन्सिल्स वगैरह नहीं होते थे, लेकिन इसको बीच में बचपन में, इसको आपको फिर पास्ट हिस्ट्री से पता लगेगा कि बचपन में इसको सिर के ऊपर कुछ डैंड्रफ हुआ या स्किन के ऊपर कुछ क्रस्टा लैक्टिया जैसे इरप्शन आ गए या कुछ एक्जिमा हो गया या किसी भी तरह का कोई स्किन का इरप्शन आ गया, और फिर आपने कोई ऑइंटमेंट लगवाया, ऑइंटमेंट लगा के उसको सप्रेस कर दिया, और जब से वो गया है तब से इसको टॉन्सिल्स के सिम्टम्स बार बार आने लगे हैं, इसको बार बार टॉन्सिलाइटिस होने लगा है, तब से इसका जो डेवलपमेंट है वो भी स्लो हो गया, तब से बड़ा सुस्त हो गया है, तब से बड़ा बेवकूफों जैसी हरकतें करता है। अगर ऐसा हिस्ट्री आपको मिलता है तो बाराइटा काब इज द रेमेडी। तो हर स्किन इरप्शन सप्रेस्ड सल्फर या सोरिनम नहीं होता या मेजेरियम नहीं होता, कुछ बाराइटा काब भी होते हैं, बस आपको वो क्रोनोलॉजी समझनी होगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, कंप्लेंट्स अराइजिंग ड्यू टू सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शंस।